मेरे हाथ एक वीडियो लगी इंटरनेट पे, ये कल्पवृक्ष महाराज जी जिनकी डेथ हुई है, जिनको मॉब लिंच करके मार दिया गया पालगढ़ में, वो अपने नाम का मतलब बता रहे हैं। जाहिर सी बात है वीडियो उनकी मौत से पहले की है, कितने पहले की कुछ खास समझ नहीं आ रहा, और मैं चाहता हूँ कि जनता वीडियो देखे और उन लोगों का भ्रम दूर हो जिनको लगता था कि ये तीनों लोग चोर थे, इन तीनों लोगों ने पालगढ़ में किसी बच्चे को चुराया। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादयुतम नित संशयम पिवत भागवतम रसमालया मुहुर धो भूमिका भुव भाविका। सारे संसार से मुक्त होने वाला वो कल्प वृक्ष रूपी श्रीमद भागवत कथा पीने वाला उसका मतलब समझेगा, पढ़ा लिखा होगा। और नाम है मेरा कल्प वृक्ष, चाय इनको दिया ये जो मेंटालिटी है ना कि भारत में साधुओं के अगेंस्ट, भारत में भगवाधारियों के अगेंस्ट कुछ करना है, ये उनके अगेंस्ट लोगों को भड़काने वाली जो मेंटालिटी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा भयंकर रूप ले रही है। लेकिन हिंदूज नहीं समझ रहे हैं, हिंदूज को ये लग रहा है कि हमको अपना देखना चाहिए, आज की डेट में हम ठीक हैं, मतलब सब ठीक है, हमारे आसपास के लोग या फिर हमसे विचारधारा के सहमत लोग ठीक हैं तो सब ठीक है। भाजपा को सपोर्ट करने वाले ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम ये लोग इस मेंटालिटी से वाकिफ हैं कि हाँ कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो रहा है, उनको इस एंगल से भी देश को बचाने की सोच रहे हैं वो लोग। लेकिन जो बाकी लोग हैं, जो बाकी पार्टियों के आइडियोलॉजी लेके चलते हैं, उनको सिर्फ इससे मतलब है कि हमारी पार्टी का लीडर हमें क्या मैसेज दे रहा है, हम उसी पार्टी लाइन पर चलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बेवकूफ़ी अगर आज की डेट में लोग कहते ना कि कैसे ये लोग कह लेते हैं कि देश की 80% आबादी रखने वाला हिंदू कैसे खतरे में हो सकता है, वो धर्म कैसे खतरे में हो सकता है, इस देश का मूल, जबकि हम लोग इतने डिफिकल्ट सिचुएशंस को झेलते हुए, मुगलों से लड़ते हुए, ब्रिटिशर से लड़ते हुए, चंद्रगुप्त के टाइम पे यमनों से लड़ते हुए, यहाँ तक आज इतनी बड़ी आबादी में अभी भी हैं, और यही एक अच्छी हेल्दी सिविलाइजेशन की निशानी होती है कि अभी भी पनप जाए, जबकि बाकी सारी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। जिस देश में इस्लाम गया है उस देश से उस सिविलाइजेशन का नामो निशान मिट गया है। लोग मुझे सोचेंगे कि मैं फिर एंटी मुस्लिम कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप ये उठा के देखिए कि इस्लाम किस कंट्री में, बस गूगल कर लो, मुझसे मत पूछो, मुझसे कोई हिस्ट्री मत पूछो, और ये पूछो कि मैंने हिस्ट्री पढ़ी कहाँ से, बस गूगल कर लो कि इस्लाम किस किस कंट्रीज में है, पता चलेगा ठीक, वहाँ वो कब आया, किसके थ्रू आया, किन लोगों ने इन्वेड किया, जब वो आया तब कितनी आबादी थी, आज की डेट में वहाँ के मूल निवासियों की कितनी आबादी बची हुई है, और जब इस्लाम आया वहाँ पे तो तब उस वक्त वहाँ के मूल निवासी कौन थे, वहाँ पे कौन सा कल्चर बना पड़ा था, कौन सा कल्चर वहाँ पे था, एग्जिस्ट करता था पहले से, पारसी कहाँ के थे, इजिप्शियन कहाँ के थे, आज वो कहाँ हैं, कुछ ही नहीं, पारसी बचे हुए हैं भारत में। उसी तरीके से पूरी दुनिया पे इस्लाम एक खतरा बना हुआ है। खैर इसमें मैं बहुत अच्छे से एक डिटेल्ड वीडियो पे आऊँगा, लेकिन ये वो वीडियो नहीं, इस वीडियो का सिर्फ मेरा यही माध्यम था कि जिस तरीके से इन लोगों को चोर बना के लिंच कर दिया गया, इसके लिए अगर हम लोगों ने अभी चुप्पी धारण कर ली तो बहुत बहुत गंदी सिचुएशन आने वाली फ्यूचर में। ये एक ऐसा वायरस है, कोरोना वायरस से भी गंदा वायरस है, ये एक ऐसा वायरस है कि आपको चारों तरफ से घेर रहा है, जब आप घिर चुके होंगे तब आपको पता चलेगा कि हम घिर चुके हैं। लोग मजाक लग रहा होगा, मजाक में ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत आराम से ऐसी चीज़ें हर बार बताऊँगा, मैं मुझे कोई गुस्सा करने की या किसी को गाली देने की जरूरत नहीं, लेकिन जो सच है वो किसी भी कंडीशन में बदलने वाला नहीं है। तलवार लटक चुकी है, कभी भी कट के गिर सकती है, बस वो अपनी मजबूती बना रहे हैं कि जब कट के गिरे तो उनके हिसाब से चले हो, ना कि बचने वाला तैयार है। क्योंकि एक तरफ एक कम्युनिटी ये कहती है, कम्युनिटी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल कहना चाहता हूँ यहाँ पे, एक लोग रेडी रहते हैं कि हम आतंक फैलाएंगे, हम देश में हर तरह की गंदगी फैलाएंगे, चाहे जिहाद कह लो चाहे जो कह लो। मैं यहाँ पे सबको काउंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट सबको, एक तरफ ये लोग होते हैं जो क्रिश्चियन मिशनरीज भी, और एक तरफ वो लोग आते हैं इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड ब्लैक कार्ड लेके, और जो जो कि हर जगह भरे पड़े हैं, बॉलीवुड में, पॉलिटिक्स में, हर हर इंडस्ट्री में,
बिजनेस में भी सब कुछ मतलब भरे पड़े हैं, तभी इनको पैसा कहाँ से मिलता है। फॉरेन फंडिंग्स भी आती हैं तो बिजनेसमैन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और जो दूसरी तरफ होते हैं जो मैंने बात की, वो लोग तब एक्टिव होते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं जब इनके ऊपर कुछ खतरा आता है या जब इनकी करतूतों को डिफेंड करना होता है किसी और की करतूतों को बता के जस्टिफाई करके। ये आपकी समझ की उपज है कि कितना आपको दिख रहा है। थोड़ा एंगल बदल के सोचिए, समझ में बहुत अच्छे से आएगा कि बहुत समय से देश के अगेंस्ट साजिश हो रही है। जय हिंद, वंदे मातरम।